बैठो, आज चाय नहीं पीनी है का? आहा, खटिया खींच के आंखें भीज के सो रहा है। छोटू, छोटू, आहा, उठो। अरे दीदी, हमें सोने दो। हम सपना देख रहे हैं कि हम हलवा पूरी खा रहे हैं। आहा, हलवा पूरी? हाँ, लाए हैं हलवा पूरी, लाए हैं, उठाओ। कहाँ है दीदी हलवा पूरी? कहाँ है? है कहीं नहीं है हलवा पूरी, चलो उठो। हाँ दीदी, तुमने हमसे झूठ बोला। हाँ, सूरज सर पे चढ़ाया है और तू घोड़े बेच के सो रहा है। अरे सोते तो पिताजी थे, वो भी एक एक हफ्ता लगातार। दीदी, कहीं हम लोग सच में कुंभकर्ण के वंशज तो नहीं है? चुप करो, कहाँ बकलो लेके मूली काट रहा है, चलो उठो, दुकान नहीं खोलनी है का? चलो। अरे दीदी, दुकान बंद। छोटू, दूसरा धंधा करेगा है? अरे धंधा करे हमारे दुश्मन। दीदी देखो, जब थी जरूरत और किस्मत थी फूटी, तब हमने चाय भी उबाली, अदरक भी कूटी, और मनी ऑर्डर आ चुका है वो भी दो दो, अब हमें सोने दो दो। ये देखो, अच्छा तुमने सुन लिया है तो ये भी सुन लिया होगा कि अब हम दुकान नहीं खोलेंगे। पिताजी कहते थे कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। छोटू, वही जो बैठ के खाए। अरे दीदी तुम भी। अच्छा, अब हम दातून करके सुत्तीलाल की दुकान पर जाएंगे चाय पीने के लिए। अब हम दुकान नहीं खोलेंगे। और सुनो सुनीली, तुम भी अब अपना डांस का स्कूल बंद कर दो। और दीदी, तुम भी अब पापड़ बनाना बंद करो। बस वैसे पापड़ तो पिताजी बनाते थे। सही कह रही है सुरीली, ना सिखाना बंद ना ही करेगी, चालू रखेगी। और हम भी पापड़ बना के बेचना का है मन करे, चालू रखेंगे। हाँ। आप लोग करिए अपना काम और हमें करने दीजिए आराम। अच्छा चलो ठीक है, अब हम दातुन कर लेते हैं। अरे ये भी एक काम है भाई। ओहो, नींद के दुश्मन है सब। अरे दीदी जरा दातुन लाना। अरे इसमें क्या हो? ये पकड़ो। का है मुलट काय काय खड़े हो? पापा, ये रोज आप हमें का बना के स्कूल भेजते हो? मतलब जब जब अम्मा नानी के घर जाती है तो आप हमें नानी की याद दिला देते हो, बटन भी ठीक से नहीं लगे और बाल एकदम अपनी अम्मा पे गया है। 12 का पहाड़ा पढ़े बिना नहीं रह सकता है? का खराबी है बालों में? वैसे तो काटे जैसे तुम्हारी अम्मा काटती है, सब लब लबाए रहते हैं। चलो जाओ स्कूल। नमस्ते मौसा जी। अरे नमस्ते बेटा, स्कूल जा रही हो? स्कूल नहीं, अंग्रेजी स्कूल। इट्टो बिट्टो लिट्टो हमरी बिटिया है, हमरी यानी कि लल्लन जी की, जो कि पीडब्ल्यू डी में काम करते हैं। पीडब्ल्यू डी में कोनो अच्छा विचार भी नहीं है नहीं। ऐसा है लल्लन जी, हम सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहते हैं, आप जाइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। मौसा जी कह रहे हैं ना पापा? अरे बेटा, हमको पता है मौसा जी काहे कह रहे हैं। मुकुंदी बाबू, हमें पता है आप काहे कह रहे हो, क्योंकि आपका बेटा आदर्श बाल निकेतन में पढ़ता है और हमारी इट्टो बिट्टो लिट्टो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है, इसलिए आप लबलबाए रहे। स्कूल स्कूल होता है, चाहे अंग्रेजी स्कूल हो या आदर्श बाल निकेतन, वहाँ भी ज्ञान की गंगा ही बहती है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही हमें कोई अफसोस हो रहा है कि हमारा चुकू आदर्श बाल निकेतन में पढ़ रहा है ना कि अंग्रेजी स्कूल में। अफसोस होगा भी तो दिखाओगे थोड़े ही। अरे हमें अफसोस काहे होगा, हम और आप भी कौन अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हम भी ऐसे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं और हमारी पढ़ाई को तो खराब नहीं रही है। हाँ, आपका हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है। देखो मैं कैप। अरे फिलहाल इनको स्कूल छोड़ के आओ, समय हो रहा है और हमें भी दफ्तर जाना है। हाँ नहीं तो। चलिए पापा। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। वो पढ़ेगा नहीं, नहीं। अरे इतना बिल्कुल इतना हमारे भाई। अरे रुको। अरे मामा, ये क्या हैंगे? ये क्या है लीजा? ये कोट हैंगे? ये कोट है ये।
अरे ये फटा हुआ कोट हमारे किस काम का? ये फटा हुआ कोट हमारे किस काम का? तो हम क्या करें? तुम ये काम करो, जाके अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। हाँ तो हम काम के ही लिए यहाँ आए हैं, इसलिए क्योंकि ये तुमने फाड़ा है, तुम इसे सिल दो। वैसे कोट तो पिताजी सिलते थे। तो ठीक हैंगे, जाके उन्हीं से सिलवा लो। अरे एलिजा, वो तुमसे ज्यादा व्यस्त है, स्वर्ग में मस्त है। एलिजा याद रखो कि अगर कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता तो उसको बिगाड़ भी नहीं सकता। और याद रखो, ये कोट तुमने फाड़ा है, इसलिए कायदे से तुम्हें ही ये कोट सिलना चाहिए। ठीक हैंगे, हम सिल देंगे लेकिन पैसे लेंगे। एलिजा, ये वो कोट है हमारा जो कभी फटा नहीं था। एलिजा, ये वो कोट है हमारा जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। एलिजा, ये वो कोट है हमारा जो तुमने बेदर्दी से फाड़ दिया। एलिजा, ये वो कोट है हमारा जो तुम्हें सिलना पड़ेगा, वो भी बिना पैसों के, क्योंकि तुमने ही ये कोट फाड़ा है। अरे मामा, अगर हम इस कोट को नहीं फाड़ते तुमको मनी ऑर्डर का पैसे कहाँ से मिलते? अरे वो सब जाने दो, बस याद रखो ये कोट तुम्हें सिलना है तो सिलना है। तो ठीक हैंगे मामा, हम इस कोट को तुम्हें सिल के दे देंगे, जरूर सिल के दे देंगे, लेकिन उतना ही सिलेंगे जितना हमने फाड़ा था। और जो पहले से ही फटा था, जिसकी वजह से पैसे अस्तर के अंदर घुस गए थे, अगर वो सिलवाना हैंगे तो हम पैसे लेंगे। तो वो मत सिलो, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर कहाँ मिलेंगे? फिर हम तुम्हें बुला लेंगे, फिर उतना हिस्सा फटवा लेंगे, फिर वापस उतना ही हिस्सा सिलवा लेंगे, इसलिए सिलो। ठीक हैंगे। भाई सुतीलाल, चाय पिलाओ। अरे वाह, धन्य भाग हमारे जो मामा जी खुद पधारे। भाई पधारते तो पिताजी थे, वो भी कहीं भी और कभी भी। क्या बात है मामा, आज चाय की दुकान नहीं खोले? हाँ सुतीलाल, आज से चाय की दुकान बंद। वो क्यों मामा? वो यूं कि मनी ऑर्डर तो आ ही चुका है, पैसे हैं, तो फिर चाय की दुकान खोलने की क्या जरूरत? और सच कहें सुतीलाल, आज हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। हमरे बहनोई जो रोज खुद सुबह शाम हमरी मिर्चा बहन से माफी मांगते हैं, आज उससे मामा माफी मांगने आए। अरे चुप कर पुदीना, जरूरी है घर की सारी पोल खोलना। अरे सारी पोल खोली कहाँ है, हमने इनको बताया क्या? कल रात को 2:30 बजे मिर्चा जीजी ने आपसे कान पकड़ के उठक बैठक लगवाई थी। अरे उठक बैठक तो पिताजी लगाते थे। सच ये है सुतीलाल जी कि हम आपसे इसलिए माफी मांगने आए हैं कि अगर हमारी मजबूरी ना होती तो पिताजी की कसम हम आपके मुकाबले कभी भी चाय की दुकान नहीं खोलते। हमको पता है मामा। एक बात कहें सुतीलाल जी, हमारा मन हमेशा आपकी चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए इतना करता था कि क्या बताएं। और मामा, हमरा भी मन तुम्हारे पिताजी के किस्से सुनने को कितना करता था कि हम क्या बताएं। हमने एक बार मिर्चा से कह दिया कि मिर्चा, हमरा मन पिताजी के किस्से सुनने को कितना करता है। तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ ज्योतिलाल जी बताइए। अरे हुआ ये कि उस दिन से मिर्चा रात को रोज अपने पिताजी के किस्से सुनाती है, और वो भी इतने बेकार कि किस्से सुनने से पहले ही हम सो जाते हैं। तो मना कर देते मिर्चा भाभी को कि भाई किस्से मत सुनाओ। अब क्या आप डरते हैं मिर्चा भाभी से? अरे ना तो हम मिर्चा से डरते हैं, ना उसके बाप से। अच्छा, बल्कि मिर्चा हमसे डरती है। क्या बात कर रहे हो? कांपती है हमरे गुस्से से। अगर हम एक बार दहाड़ के बोल दे, अरे ओ मिर्चा, ओहो, पता है क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलती है? अरे भीगी बिल्ली की तरह। देखो,
मोतीलाल जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं, लेकिन अब है नहीं थी। पापा चुको, तुम स्कूल छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्कूल में छुट्टी हो गई। छुट्टी काहे? मास्टर जी का कुत्ता मर गया का? नहीं, ऐसे ही आचार्य जी ने कहा कि स्कूल की छुट्टी हो गई, सारे बच्चे घर चले जाओ। तो हमने सोचा घर जाकर क्या करेंगे, तो हम यहाँ आ गए। लेकिन आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है, फिर छुट्टी के बिना छुट्टी कैसे हो गई? वो आचार्य जी ने कहा है कि आज शाम वो लापतागंज जाएंगे, और जिन जिन के बच्चे आदर्श बाल निकेतन में पढ़ते हैं, वो सब शाम को लापतागंज में इकट्ठा हूँ, उन्हें कुछ बात करनी है। शाम को सबको इकट्ठा होने के लिए काहे कहा होगा? एक काम करो बेटा, तुम बिंदुमती मौसी के यहाँ जाओ, हम शाम को आते हैं फिर देखते हैं, ठीक है? चलो मामा, तुमने ठीक ही किया चाय की दुकान बंद करके, लेकिन अब कोई और काम धंधा कर लो। हम सोच रहे हैं चौरसिया के तुम्हारी पान की दुकान के ठीक सामने हम भी अपनी एक पान की दुकान खोल लें। क्या? नहीं 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 मामा, तुम ऐसे ही ठीक हो। हाँ तो फिर ठीक है, ऐसे ही ठीक है तो फिर। अरे एलिजा, ये क्या है? ये कोट हैंगे मामा। फटा हुआ? नहीं, सिला हुआ कोट हैंगे मामा। अरे वाह भाई, तुमने तो बहुत जल्दी ये कोट सिल दिया। चौरसिया, इस बात पर हमारी तरफ से एलिजा को पान खिलाओ और उसके पैसे एलिजा से ले लेना। क्या, पान तुम्हारी तरफ से और पैसे हम देंगे? अरे एलिजा, हम दोनों दोस्त हैं ना भाई, पैसे हम दें या तुम दो, एक ही बात है। हाँ, समझ में नहीं आई ये बात। अरे बात तो पिताजी की समझ में नहीं आती थी भाई, तुम दोनों की कौन सी बात समझ में नहीं आई? ये वाली कि पैसे हम दें या एलिजा, अरे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मामा, असल में बात ये है कि बच्चे स्कूल से आज जल्दी घर आ गए। इसमें समझ में ना आने वाली बात कौन सी हैंगी? आज ना कोई तीज है ना कोई त्योहार है, तो अचानक बच्चों को स्कूल से छुट्टी क्यों दे दी गई है? भाई अचानक छुट्टी तो पिताजी को दे दी जाती थी, वो भी उनकी हर नौकरी से। अरे मामा तुम चुप रहो, ये लोग सही कह रहे हैं, आखिर ऐसे अचानक बिना बात के छुट्टी हो जाने का क्या मतलब है? हमने चिक्कू को भी। हाँ, तभी चिक्कू भी आज स्कूल से जल्दी आ गए हैंगे। हम गए थे बिंदु दीदी के घर उनका सिला हुआ ब्लाउज देने, जहाँ चिक्कू ने हमको बताया था कि आज शाम को प्रधान आचार्य भी लापतागंज आने वाले हैंगे। प्रधान आचार्य? ओ तो जरूर कोई बात है भाई, को समझ में नहीं आ रहा है ये प्रधानाचार्य जी आने में देर क्यों लगा रहे हैं? आदर्श बाल निकेतन के प्रधानाचार्य हैं, कोई इंग्लिश स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है जो टाइम पे आ जाए। अरे चुप रहिए, आप भी खास सबके सामने जयपुर से जोधपुर वाली बात कर रहे हैं, चुप रहिए। अरे हमारा बिटवांडूस गलत कह रहा है का? ए लल्लन, हमारे तीनों बिटियांडूस तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है ना, तो फिर हमको का फर्क अंडूस पड़ता है कि वो प्रधानाचार्य आए चाहे ना आए। ए लल्लन की अम्मा सुनो, लापतागंज में कौन काम ऐसा नहीं होता है जिससे पूरे लापतागंज को फर्क ना पड़ता हो? किसी भी समस्या का प्याज जब कटता है पानी सबके आँखों में आता है। अरे आँखों में पानी तो पिताजी के आता था जब गुस्सा अम्मा का बेलन उनके सर पर पड़ता। ए माँ, रा, रा, उशु। अरे शांत तो पिताजी होते थे जब अम्मा उन्हें ऐसे ऐसे करके डांटती थी ऐसे। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि प्रधानाचार्य जी ने सब लोगों को इकट्ठा होने को काहे को कहा है? हाँ, और बच्चों की अचानक स्कूल से छुट्टी कैसे कर दी? हमें तो लग रहा है स्कूल वाले बच्चों की फीस बढ़ाना चाहते हैंगे। नहीं नहीं नहीं, बात फीस की नहीं बल्कि जरूर कुछ और है। हाँ, वरना फीस बढ़ाने की बात करने के लिए प्रधानाचार्य खुद क्यों आते? भाई सोनामल सुनार की बात जो है वो 16 आने सच है और उसमें 32 आने दम है, वैसे बात में दम तो पिताजी की होती थी। भाई देखो, सब लोग अपना अपना अनुमान लगाना बंद करो, प्रधानाचार्य आते ही होंगे, वही बताएंगे कि आखिर बात क्या है। लो आ गए प्रधानाचार्य जी। अरे नमस्ते प्रधानाचार्य जी। नमस्कार, आइए प्रधानाचार्य जी बैठिए। क्या बात हो गई है, बच्चों के स्कूल में अचानक छुट्टी कहा कर दिए हो? गांव के सारे बच्चे दिन में ही वापस आ गए, आखिर बात क्या है? हमने आप सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए इसलिए कहलवाया था क्योंकि हम आप सबको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं।
क्या ये कह रही है? कहा है सूचना? कहा है सूचना? ये है कि लापतागंज का एकमात्र विद्यालय आदर्श बाल निकेतन बंद हो रहा है। बंद हो रहा है? कितने दिनों के लिए बंद हो रहा है? दिनों के लिए नहीं। तो क्या हफ्तों के लिए? हफ्तों के लिए भी नहीं। तो फिर क्या महीनों के लिए? जी नहीं, महीनों के लिए भी नहीं। तो क्या फिर वो? अरे शांत हो जाइए। अरे प्रधानाचार्य जी कुछ कह रहे हैं जी, कहिए आप क्या कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि आदर्श बाल निकेतन बंद हो रहा है, वो भी हमेशा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं प्रधानाचार्य जी? जी हम जो कह रहे हैं वही सच है। लेकिन अगर विद्यालय बंद हो गया तो लापतागंज के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? उनके भविष्य का क्या होगा? जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल हमारी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, वो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? अरे दूर की क्यों सोच रहे हो अलीजा? शादी तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बच्चे बच्चे तुम रहने दो भाई। का बकलोली कर रहा है? अरे तुम्हारी शादी और बच्चे जब होंगे तब। अभी हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका क्या? अरे एक मिनट शांत हो जाइए ना, क्या हो रहा है? शांत हो जाइए ना, कहा है प्रधानाचार्य जी स्कूल बंद हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? कारण? अरे कारण क्या होगा, हम तो पहले ही गए थे कि इस स्कूल का मास्टर का जब कुत्ता मरता है तब भी छुट्टी हो जाती है। अरे लेकिन ये तो हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है, इसका मतलब ना जाने कितने सारे कुत्ते मर गए होंगे। चुप कर रहा है, चुप करो। मास्टर जी बताइए भी कहाँ है, बंद किया है बच्चों का स्कूल? देखिए अब तक किसी तरह से प्रबंध समिति ने स्कूल को चलाया था, लेकिन अब स्कूल के कोष में एक भी पैसा नहीं बचा और सरकार से भी कोई भी सहायता नहीं मिल रही, और स्कूल की बिल्डिंग इतनी कमजोर हो गई है कि कभी भी बच्चों पर गिर सकती है। इसलिए स्कूल की मरम्मत के लिए और स्कूल को चलाने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसका इंतजाम करना फिलहाल इस वक्त स्कूल के लिए असंभव है। इसीलिए आदर्श बाल निकेतन को बंद कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। आशा है कि आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी। क्षमा कीजिए।